वेलकम टू माई टूडेज वीडियो। आज मैं आपसे कराने वाला हूँ चेक पॉइंट नंबर 4 ऑफ मैथ्स मार्वल इंडियनिका लर्निंग बुक 8। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टूडेज वीडियो। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। आज मैं आपसे कराने वाला हूँ चेक पॉइंट नंबर 4। 8th क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इस चेक पॉइंट को इसी वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। वेरीफाई क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर 7/3 इंटू 4/7। सो इसके लिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। अब देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी रेशियल नंबर को किसी रेशियल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करोगे सो आंसर रेशियल नंबर आएगा। ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कि किसी भी रेशियल नंबर को किसी भी नंबर के साथ किसी भी रेशियल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे सो रेशियल नंबर ही आंसर आना चाहिए। ये कैसे हम करेंगे? अब देखिए, ये क्या होता है? रेशियल नंबर नंबर मल्टीप्लाई रेशियल नंबर आना चाहिए इक्वल रेशियल नंबर के। सो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/3 इंटू 4/6। सो कटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। 7 × 4 इज 28, 3 × 6 इज 18। यस, कटिंग 2 के टेबल के ऊपर इन दोनों की हो सकती थी यहाँ पे। सो अब आगे 2 के ऊपर कट कर देते हैं, ये 9 के ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 के ऊपर। सो 14/9 आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? 14/9 इज ऑल्सो रेशियल नंबर, ये भी एक रेशियल नंबर है। सो हमें यही चाहिए था कि जो आंसर है वो भी रेशियल नंबर हो। क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग। सो इनके लिए हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। ए पार्ट 7/13 इंटू -4/3। सो देखिए, एक साइड के ऊपर हम ले लेते हैं LHS एंड दूसरी साइड के ऊपर ले लेते हैं RHS। ये करना पड़ेगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझिए क्या होती है। वैसे तो ये प्रॉपर्टी सभी आपको मैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कराऊंगा, और अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मगर अगर अभी बताना हो तो उल्टा करके जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो उल्टा करके कर दो। जैसे कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों को इक्वल प्रूफ कर रहे हैं। ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन्हें इक्वल नहीं प्रूफ करना है, इन्हें अनइक्वल प्रूफ करना है। वैसे ही ए डिवाइड बाई बी और बी डिवाइड बाई ए, इन्हें अनइक्वल प्रूफ करना है। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज़ होती है? एक तो होती है वो प्लस में, एक होती है मल्टीप्लाई में। माइनस या डिवाइड में ये प्रॉपर्टी नहीं यूज़ होती। सो देखिए, 9th क्वेश्चन, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर द फॉलोइंग। ए 7/13 इंटू -4/3। इधर क्या आ जाएगा? ए इंटू बी। इधर क्या आ जाएगा? बी इंटू ए। सो ये कितना है? 7/13 इंटू -4/3। यहाँ पे ए है आपका 7/13, बी है आपका -4/3। यहाँ पे -4/3 मल्टीप्लस 7/13। कटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 7 को -4 के साथ -28, 13 को 3 के साथ 39। इधर -4 को 7 के साथ 28, साथ में -3 को 13 के साथ 39। सो दोनों इक्वल आ चुके हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, नीचे लिख देते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये है बी पार्ट, 1/9 डिवाइडेड बाई 4/9। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि डिवाइड में अनइक्वल प्रूफ करना होता है। सो हम पहले LHS और RHS दोनों लेते हैं। सो ये हो चुका है ए डिवाइड बाई बी, और इधर ले लेंगे बी डिवाइड बाई ए। ए कितना है? 1/9, और बी कितना है? 4/9। 1/9 डिवाइडेड बाई 4/9 एंड 4/9 डिवाइडेड बाई 1/9। चलिए, सो देखिए, अब डिवाइड का मतलब क्या होता है कि हम उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को। सो 1/9 मल्टीप्लाई, ये कितना उल्टा होकर हो जाएगा? 9/4। और दूसरी साइड 4/9 मल्टीप्लाई 9/1 ये आ जाएगा। सो 9/9 कट के यहाँ पे भी 9/9 कट के यहाँ पे कितना आया? 1/4। और यहाँ पे कितना आया? 4/1। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सो क्या आ जाएगा? हैंस प्रूव्ड। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन,
वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर 1/3 इंटू 2/5 इंटू 3/6। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको तब समझ आएगा जब मैं LHS और RHS में इसको लिख दूंगा। सो इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और उस बेल आइकन को भी आपसे भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो ये होती है ब्रैकेट वाली प्रॉपर्टी। वैसे तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आप सभी को पहले भी कराई है, अगर नहीं समझ आएगी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नीचे कह देना कि वो बना दो, मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि हम एक बार तो पहला नंबर एक्सक्लूड करके दो नंबर्स को ब्रैकेट में लेते हैं। ब्रैकेट में क्यों लेते हैं कि ब्रैकेट वाला हम पहले सॉल्व करते होते हैं। अब दूसरी साइड के ऊपर हम क्या करते हैं, पहले दो नंबर्स को ले लेते हैं ब्रैकेट में, तीसरा नंबर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको क्वेश्चन करते करते अगर अभी भी समझ लिया है क्वेश्चन करते करते आ जाएगा। सो नंबर्स लिख लेते हैं सभी, यहाँ पे ब्रैकेट 2/5 मल्टीप्लाई 3/6, यहाँ पे ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है। यहाँ पे अब ब्रैकेट में कौन सा 1/3 इंटू 2/5 और ब्रैकेट के बाहर 3 इंटू 3/6। सो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, इधर 1/3 वैसे ही रहेगा। सो 2/5 को 3/6 के साथ, अब 3 और 6 दोनों 1 और यानी 3 के टेबल के ऊपर आते हैं, 1 और 2 के ऊपर कट हो गए, 2 और 2 भी कट हो गए। सो 1 और 5 बचे, 1/5 आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट 1/3 को 2/5 के साथ, यहाँ कोई कटिंग नहीं हो सकती, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 5 15 15 इंटू 3/6। सो पहले इधर ना सॉल्व करेंगे, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 5 15 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 के टेबल के ऊपर 6 कट हो सकता है 1 और 2 के ऊपर, 2 के टेबल के ऊपर 2 कट हो सकता है। अब 1/15 आ चुका है हमारा आंसर। सो यही हमने प्रूव करना था कि दोनों इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS और आ जाएगा हैंस प्रूव्ड। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है अब हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इससे हमारी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो जाएगी। सो देखिए अब 143 डिवाइडेड बाय -4/3 डिवाइड बाय -4/7 इज नॉट इक्वल टू 6/143 डिवाइड बाय, मतलब सीधी सीधी बात बता तो वही है जो पिछले क्वेश्चन में किया है, बस फर्क इतना है यहाँ पे नंबर थोड़े से बड़े आ गए और डिवाइड आ चुका है। पिछली बार हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड आ चुका है। डिवाइड में क्या होगा, वो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे नंबर को, बट ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है और यहाँ पे नॉट इक्वल प्रूव कर रहे हैं। डिवाइड और माइनस में कोई भी प्रॉपर्टी काम ही नहीं आती। पहली बात तो एक होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन हो तो काम आ सकती है, वो मैं आप सभी को समझा दूंगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, वो बहुत ईजी कंसेप्ट है। और साथ में अगर बात की जाए इसकी तो आप यही समझिए कि माइनस और डिवाइड किसी में काम नहीं आने वाले, माइनस और डिवाइड किसी में काम नहीं आएंगे। सो देखिए चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं, 6/143 डिवाइड बाय, अब इसे LHS की तरफ लिख सकते हैं, इसे RHS की तरफ। हमने प्रूव करना है कि दोनों इक्वल नहीं है, बस ये 6/143 डिवाइड बाय -4/3 डिवाइड बाय -4/7। सो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे, इधर ली साइड वाला भी लिख लेते हैं पहले, सो चलिए ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं, इसे ऐसे ही लिख लेंगे एंड डिवाइड बाय, अब ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4/3 इंटू 7/4 -4 कट के 7/3 आ गया यहाँ पे। सो नेक्स्ट यहाँ पे ये भी उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला नंबर 3/-4 आ जाएगा। सो देखिए अब यहाँ पे कटिंग हो सकती है, यहाँ पे कटिंग हो नहीं सकती मुझे नहीं लग रहा, ये 4 और 6 के बीच तो ईजिली हो जाएगी, 4 और 6 की कटिंग होगी किस टेबल के ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे -2 है सॉरी। सो अब देखिए इसे डिवाइड किसके साथ करना है, -4/7, अब इसे हम डिवाइड करते हैं 6/143 डिवाइड बाय 7/3 सा, अब इसे उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, 3/7 आ गया। सो अब 6 को 3 के साथ किया 18, 143 को 7 के साथ किया 21, 28+2 37 10 1001। और दूसरी साइड के ऊपर 3 इंटू 3 9,
143 इंटू -2 -2 86 डिवाइड कर रहे हैं माइनस 4/7 के साथ, ये कितना हो जाएगा 9/-286 मल्टीप्लाई 7/-4, सो इतना आ चुका है। अब देखिए सीधा सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 9 को 7 के साथ किया 63 ओवर -286 को -4 के साथ कर दिया, ये हम साइड के ऊपर करके देख लेते हैं, 4 6 24 4 8 32 34 4 2 8 11 1 1 4 4, सो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यही हमने प्रूव करना था, सो क्या देगा हेंस प्रूव्ड। सो ये चुकी है फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अंटिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।